अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज हजीश हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, वो भी अचानक हम लोगों का प्लान बना क्योंकि मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ मॉल में ऑफ़र लगी हुई है, तो इसलिए हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। ये देखें जी, ताबीर को भी मैंने आज बैंड शैंड पहना के तैयार किया था। अच्छा जी, हम पहुंच गए हैं मॉल। ये है जी स्पेस मॉल, दी स्पेस मॉल, और अरबी में है अल फिज़ा, अल फिज़ा मॉल। ये थोड़ा सा दूर है हम लोगों के घर से, तो हम लोग बस पहुंच गए हैं। हमने बस सुना है कि मैक्सीज वगैरह पे अच्छी खासी ऑफर चल रही है। ये देखें जी, हम जा रहे हैं अंदर। इशाल को पकड़ा हुआ था, हाथ छुड़वा कर भाग गई। पहले हम ले लें स्टॉलर, स्टॉलर ही नहीं निकल रही थी मुझसे। अच्छा जी, हम आ गए अंदर मॉल। आओ तो देख के दिल खुश हो जाता, दिल ही नहीं करता वापस जाने का। ये सारा जो था ना, ये बेबी सेक्शन था, बेबी फ्रॉक बहुत सारी। इस तरफ हम इशाल की बर्थडे की, लास्ट बर्थडे की फ्रॉक यहाँ से ही लेके गए थे, फेरी फ्रॉक। अच्छा जी, हम जा रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे सारा ये सारा लेडीज सेक्शन था। और अब देखते हैं जी, मज़े मज़े की मैक्सीज फॉर पार्टी, शादी वगैरह के लिए कैजुअल पार्टी ड्रेसिंग। देख रहे थे कि किस तरफ लगी हुई है ऑफ़र, फिर हम उस तरफ जाएं। कुछ इतनी अजीब अजीब सी मैक्सीज होती है ना, देख के समझ भी नहीं आता कि ये पहनेगा कौन, क्योंकि हम लोगों को मैं ऐसा अवेयर नहीं करते। ये लोग सऊदी स्टाइल है, तो ये सऊदीज वगैरह ऐसे वेयर कर लेते हैं, पहन लेते हैं, उन लोगों के कल्चर में है। उन लोगों की शादियों में जाओ तो इसी तरह की उन सब ने ड्रेसिंग की हुई होती है, ऐसा लगता है जैसे हम किसी यूरोप में आ गए हैं। ये मुझे पसंद आई थी, इस पे ऑफ़र थी। ये वैसे थी ये 200 रियाल की, यानी 200, 175 रियाल और 130 रियाल मिनिमम, 150 से 160। तो ये थी 200 की, इसका प्राइस लिखा हुआ था, लेकिन ऑफ़र में ये 59 रियाल की थी जी। तो अच्छा खासा ऑफ़र था, तो मैंने कहा कि मैं ले लेती हूँ, पाकिस्तान जाऊँगी तो किसी की भी शादी हुई तो इंसान पहन लेता है। ये था एक्वा कलर, तो ये मुझे पसंद आया था, फिर मैंने कहा कि मैं और भी देख लेती हूँ, ज़्यादा देख लो तो फिर डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। ये वाइट वाला भी अच्छा था, लेकिन ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, कुछ भी लगे दाग वगैरह तो प्रोमिनेंट बहुत जल्दी होता है, और बच्चों के साथ तो ऐसा कलर बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। ये देखें, वो पीछे जो मरून कलर की है ये वाली, तो ये भी अच्छी थी, लेकिन ये सारा इसका जो था ना नेट बिल्कुल वो था कि पतला सा, जिससे बॉडी नज़र आती हो। देख रहे थे, मेरे हस्बैंड तो बड़ा कॉन्शियस होके कोई भी ड्रेस वगैरह उसको देखते हैं, अच्छे से फिर लेते हैं। देख रहे थे, कभी कह रहे थे पसंद है, कभी कह रहे थे कि अगर तुम पे फिट ना आई। इसमें तीन ही कलर थे, प्याजी कलर जिसे कहते हैं, और पिंक कलर, और एक्वा कलर। हाँ ये देखें, ये है पिंक कलर, वो जो इसके साइड पे नज़र आया ना, जिसका शॉपर हमने उतारा था, तो वो देख रहे थे हम। लेकिन इतना वो लग रहा था, थोड़ा सा ज़्यादा ओवर ओवर लग रहा था ये कलर मुझे। मुझे हमेशा लाइट कलर, डिसेंट कलर बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो पार्टी वेयर वगैरह में भी हम इजीली वेयर कर सकते हैं।
और कुछ मुझे ऐसा लगता है जैसे लाइट कलर से ना आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छी ग्रूम होती है। अच्छा जी, फिर मैंने लास्ट में जो है ना ये पसंद कर ही ली, तो मैंने कहा ज़रा अच्छे से आपको दिखाती हूँ। नीचे से थोड़ा सा फिशरी टाइप है और ऊपर से ये देखें इसके काम कितना ज़बरदस्त हुआ है। और ये मुझे ब्लैक भी पसंद आई थी, ये दोनों मैंने ले ली थी। इस पे भी ऑफ़र थी, ये पता नहीं शायद 75 से ऊपर की थी, तो फिर क्योंकि ये काम नहीं है ना इस पे ज़्यादा, तो ये फिर 23 रियाल की ब्लैक वाली मिली और ये वाली मुझे 59 रियाल की मिली। ये देखें इसका वर्क देखें, और ज़बरदस्त था। ऊपर की नेट पे भी काम था, नीचे को और नीचे भी काम था। और इसके बाजू में जाकर पाकिस्तान जो है वो नीचे इसके इनर बनवाऊँगी, ताकि वो फुल बाजू हो नेट के और इसके साथ ब्लाउज सा बनवा के, तो फिर ये ज़बरदस्त हो जाएगा, फिर हम इजीली इसको वेयर कर सकते हैं। देखें जी, हम जा रहे हैं अब नीचे। बहुत अच्छी लगी मुझे मैक्सी, और बहुत मुनासिब मिल गई। और ऐसा जो है ना चांस और ऐसा लक कभी कभी लगता है कि आपको कोई अच्छी चीज़। हम फिर विशाल के लिए जूती देख रहे थे, फिर ये वाली हमें पसंद आ गई ब्लैक कलर की, लेकिन ड्रॉबैक ये हुआ कि इसे जब घर लेकर आए हम तो ये इसका पाँव जो है ना इस जूती से आगे चला जा रहा है, इसलिए कभी भी ओपन जूती नहीं, बच्चों को भी हमेशा सैंडल टाइप बांधने वाली जूती लेके दें। अब ले ली थी, खैर चेंज कहाँ हो सकती थी, देख रही थी मैं अपने लिए, पर मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, पहले उनको तो ख़त्म कर लें फिर नहीं लेंगे। दिखा रहे थे ये मुझे निकाल के कि ये देखो, मैं कह रही थी कि ये हार्ड है, तो ये मुझे इतनी हार्ड जूती, मेरे पाँव को दुखता है, मेरे पाँव दर्द करते हैं। फिर अच्छा जी, जिसने भी लेनी है ना जाके मैक्सीज वगैरह ले ले, अभी भी काफ़ी पे स्टॉक पे जो है वो डिस्काउंट चल रहा है, ये ना हो ख़त्म मुकशुक जाए डिस्काउंट। हम आ गए जी फिर काउंटर पे, फिर बिल करवाया, बिल करवाना था। बिल करवा लिया, शॉपिंग हो गई, अब यहाँ से जाना था। हमने शाल जी रोज़ रोज़ वाली हैप्पी बर्थडे टू यू करनी थी, तो फिर हमने कहा यहाँ से जाते हैं उधर, क्या कहते हैं, फाइन रेस्ट, वो फाइन स्वीट्स या कसरे शीरी जहाँ से मिल जाएँ पेस्ट्रीज, उसके लिए पेस्ट्रीज लेनी थी। और मेडिकल स्टोर से ये देख, हैप्पी बर्थडे स्टार्ट हो गई। बिरु क्लैपिंग करो, क्लैपिंग क्लैपिंग करो, बिरु क्लैपिंग करें ना, बिरु क्लैपिंग क्लैप करो, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग। चलो यार भूख मार, सर ब्लो करो। विशाल हैप्पी बर्थडे। चलें जी केक कट करें, ऐसे ऐसे पकड़े। बिरु आप भी, मेरे आप भी पकड़ो बाबा के साथ, ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़ो। चलो वाओ, क्लैपिंग, चलो क्लैपिंग कर दो, शल क्लैपिंग कर दो, बिरु क्लैपिंग कर दो। तो व्लॉग बस इतना था, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।